हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ हैदराबादी चिकन। ये पहले करेंगे हम मैरिनेशन, और इसके लिए हमने लिए 1 किलो चिकन। अब इसमें डालेंगे हम दही 1 कप, सुरख मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी, और नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच। और ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया सारी मसालों का। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मसाला अच्छे से लगा के 1/2 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आप ज़्यादा टाइम देंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा और चिकन में ज़्यादा टेस्ट आएगा। जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा इसका टेस्ट होगा। और ख़ास बात यह है कि आपने इसमें मैरिनेशन के दौरान इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसकी मैरिनेशन अच्छी नहीं होगी। ये हम डालेंगे इसमें ऑयल, चिली में या जो भी बर्तन आप लेना चाहें। और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, क्योंकि प्याज हमने थोड़ी ब्राउन करनी है, तो ठंडे ऑयल में फिर टाइम ज़्यादा लेती है प्याज। ऑयल गर्म हो गया तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये 2 दरमियानी साइज के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज ब्राउन हो गए हैं तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर प्याज हमारी जल्दी, इसलिए थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर लेंगे। ये ज़ीरा और दालचीनी, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग और ये सब कुछ मैं डाल रही हूँ इसमें खुशबू के लिए। धनिया पाउडर, सुरख मिर्च, बाकी मसाले हमने सारे मैरिनेशन में डाले हुए हैं। ये थोड़ा सा रस मसाले के लिए हम डालेंगे इसमें। मसाला हमारा भुन चुका है तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था, और
और बर्तन को हम अच्छे से पानी डाल के हम अच्छे से इसकी डेंगी सारी निकाल लेंगे ताकि कुछ बॉल के अंदर रह ना जाए। अब हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे, भुनाई कर लेंगे हम इसको अच्छे से। भुनाई अच्छे से करके हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम कर देंगे। तो हमारा हैदराबादी चिकन हो गया है बिल्कुल तैयार, और जिसको खाना है वो आ जाए। आपको खाना है? तो व्यूअर्स, वीडियो था आज का हमारा यहीं तक। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हमें कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। और खुशबू इतनी अच्छी है कि अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं फ़ौरन से इसको खा लूँ। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा और फिर अपने घर वालों को खिलाइएगा कि बताएँ कि आपको कैसी बनी है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।